इस सेशन में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस की एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, जैसे आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, ग्रुप, मोनोइड, रिंग, फील्ड, ओके, एल्जेब्रिक स्पेस, तो ये जो सारे पढ़े मतलब कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन में भी यूज किए जा सकते हैं। ओके, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का भी अपना एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं अभी जो हमने पढ़ी है, क्लोजर या कमटेटिव या एसोसिएटिव, तो ये प्रॉपर्टी इस पे भी होल्ड करती हैं। इसका मतलब उस वो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है, ग्रुप, फील्ड और रिंग या मोनोइड, सेमी ग्रुप, इसका। ओके, तो यहाँ पर आपको वैसे डिस्क्रीट में पता होगा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। कहता है सपोज करो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के रेफरेंस में, अगर मींस ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन के लिए होल्ड करती है, मतलब सेमी ग्रुप है वो। अगर क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब मोनोइड है वो। अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो मतलब वो ग्रुप है। इसी पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा गया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। कहता सपोज करो कि मेरे पास ये सिग्मा स्टार है। सिग्मा स्टार का मतलब कि कोई इनपुट अल्फाबेट है उस पर बनी हुई बना हुआ कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सिग्मा स्टार। कहता ये प्लस के रेफरेंस में क्या है, मतलब ऑप्शन में है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुप। ओके, क्या आंसर करोगे? तो अब देखना, जो प्लस है मतलब यूनियन ऑपरेटर, वो क्लोज है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। मतलब अगर R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है सिग्मा स्टार से, R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार, ओके, तो कहता है अब प्लस के रेफरेंस में R1 प्लस R2 इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, अभी हमने देखा है इसकी प्रॉपर्टीज में, एंड देयर फोर चूंकि क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है, तो देखो इसके लिए क्या है, ये सेमी ग्रुप है। ओके, मतलब ये क्वेश्चन आया है तो इन चार ऑप्शन में सेमी ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। अगर सपोज करो सिग्मा स्टार और डॉट की बात कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन की, सेम बिल्कुल स्टोरी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ही करती है, एसोसिएटिव होल्ड ही करती है, इसके लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर ये क्या है, ये है मोनोइड। ओके, ये क्वेश्चन हो, यही चार ऑप्शन हो तो ये मोनोइड है। अगर सपोज करो ये इस तरह से, तो इसके लिए क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस होल्ड करती है, एंड देयरफॉर इसके लिए क्या है, सेमी ग्रुप। ओके, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस गेट में तो नहीं आया है, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। ओके, एंड दैट्स